तो दोस्तों क्या आपको पता है प्रीएम्बल जो कि संविधान की एक आत्मा होती है उसे हटाया जा रहा है। क्यों? आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और कहां से हटाया जा रहा है वो भी इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि प्रीएम्बल जो होती है वो आत्मा होती है संविधान की, और संविधान की आत्मा को निकालना एक गैर कानूनी चीज़ है और वो चीज़ अब निकाली जा रही है। अभी धीरे धीरे करके लोगों के दिमाग से निकाली जाएगी, फिर पूरा का पूरा इसे हटा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्यों हटाया जा रहा है और क्या हुआ है प्रीएम्बल को हटाने। तो हाल ही में देखा गया कि एनसीईआरटी की जो नई बुक प्रिंट हुई है उनसे प्रीएम्बल को हटाया जा रहा है। और इन प्रीएम्बल, एक प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल एक सोल होती है संविधान की। प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, संविधान की जो वैल्यूज है, संविधान किस बेसिस पे बना हुआ है। एक ब्लू प्रिंट होता है जो हमारा, वो होता है प्रीएम्बल, और वो करता है रिफ्लेक्ट करता है कोर वैल्यूज, जो उसकी मेन वैल्यू है। संविधान किस पे काम करता है, जो कि है संविधान क्या होना चाहिए, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कमिटेड टू जस्टिस इक्वालिटी एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल। बंदों के लिए, मतलब जो कोर वैल्यूज संविधान की है वो क्या है, सेकुलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्ट सोवरन लिबर्टी होनी चाहिए, पीपल्स के लिए इक्वालिटी, ये एक फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं। अब बात करते हैं, प्रीएम्बल डज नॉट ग्रांट सब्सटेंटिव पावर राइट्स एंड इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, बट वेरियस इंडियन कोर्ट्स हैव एंगेज्ड द प्रीएम्बल एंड ट्रीटेड गाइडिंग लाइट्स इन द इंटरप्रिटेशन। मतलब वो एक गाइडिंग लाइट्स होते हैं संविधान के लिए, एक गाइड करते हैं बंदे को कि हाँ भाई जो हमारा संविधान बना है उस वो किस कोर, मेन काम क्या है उस संविधान का। द ओपनिंग एंड लास्ट स्टैंड ऑफ वी द पीपल अडॉप्ट एंड इनैक्ट एंड गिव आरसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफाइज द पावर एंड वेस्टेड हैंड्स ऑफ द पीपल। हर बंदे नागरिक के हाथ में पावर होनी चाहिए, किसी पार्टी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, किसी और हाथ में नहीं होनी चाहिए, हर एक इंसान के हाथ में पावर होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। ये हमारा प्रीएम्बल काम करता है। और इस प्रीएम्बल को एनसीईआरटी की किताबों से ही हटाया जा रहा है। एनसीईआरटी की किताबों में प्रीएम्बल है ही नहीं। और तो भाई हमने हाल ही में देखा है, ये आप देखोगे आर्टिकल, द रिमूवल ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम सम एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम द स्कूल चिल्ड्रन इज इंडिक्टिव। ये वायर ने दिया है, एंड इंटेंट ऑफ मोदी रिगम नॉट अ सेंस दिस द स्टूडेंट्स ऑफ टेंडर एज अबाउट गाइडिंग द पर्पस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द संविधान। संविधान का जब बंदों को प्रिंसिपल ही नहीं पता होगा तो कैसे, मतलब जो बच्चे होते हैं, बच्चों को स्टार्टिंग में बताया जाता है प्रीएम्बल अपने संविधानिक अधिकार बताए जाते हैं, और प्रीएम्बल उसका एक जो होता है ब्लू प्रिंट होता है। ब्लू प्रिंट में आपको ये बताया जाता है कि ये जो ब्लू प्रिंट है ये संविधान, इस संविधान, ये इन पॉलिसीज पर संविधान काम करता है, ये डायरेक्शन देता है संविधान को, ये सब चीज़ें, मतलब एक कोर बताता है कि संविधान करता क्या है हमारे लिए। तो वो प्रीएम्बल है, उस प्रीएम्बल को हटाना एक स्टूडेंट्स की किताब से, वो प्रीएम्बल के बारे में जान ही नहीं, संविधान के बारे में जान ही नहीं पाएंगे और संविधान से अवगत रहेंगे, क्योंकि कोई भी नेता हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी, हर कोई डरता है, जो कोई भी जज भी होगा वो संविधान से डरता है, क्योंकि संविधान हमें सारे अधिकार देता है। हमारा जो हर नागरिक है, हर नागरिक को संविधान अधिकार देता है, किसी के बस की नहीं है कोई अधिकार दे दे आपको। संविधान एक ऐसी चीज़ है जो एक गरीब को भी वो अधिकार देता है, वही एक अमीर को अधिकार देता है, दोनों जो, क्योंकि अमीर के पास अलग राइट होते हैं, गरीब के पास अलग होते हैं, लेकिन हमारा संविधान है दोनों को आपस में जोड़ के रखता है। एक गरीब को भी वही राइट है जो अमीर को राइट है। तो कोई रिलीजियस जो होता है, जैसे रिलीजियस राइट होता है, कोई हिंदू को भी वही राइट होगा जो मुस्लिम को होगा। ये हमारा संविधान है, इतना खूबसूरत संविधान बनाया है हमारे जो अंबेडकर जी ने, उन्होंने बनाया है। सच अ डिजिनेटेड ट्रांसफर इज सेलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान वाले दिन ही इसको हर साल दिखाया जाता है और बताया। रिपीटेड फील्डिंग प्रीएम्बल बाय मोदी रेगिम हैज शॉक द नेशन। भाई प्रीएम्बल को हटाना एक शॉकिंग है, मोदी गवर्नमेंट ने हटाया है, ये गलत बात है। पैराडॉक्सली अ कोट फ्रॉम मोदी, देयर इज ओनली वन होली बुक ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई संविधान के हिसाब से ही सरकार काम करेंगी, सरकार संविधान से अलग काम नहीं करेंगी। और अगर आपको संविधान पता होगा, आपको अपने राइट्स पता होंगे, आपको अपने रूल्स पता होंगे, कोई आपका माई का लाल को कुछ नहीं कर सकता, इतनी ताकत है हमारे संविधान में। प्रीएम्बल में जो दो वर्ड लिखे हुए हैं, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये जो दो वर्ड हैं 1976 में लाए गए थे। सोशलिस्ट मतलब वेलफेयर, जो सरकार काम करेगी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगी, वेलफेयर के लिए काम करेगी, प्रॉफिट भी चाहिए वेलफेयर भी चाहिए। सेकुलर होनी चाहिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए और किसी रिलीजियस नहीं होनी चाहिए कि हम इस रिलीजियस को फॉलो कर रहे हैं, कोई सरकार का कोई रिलीजन नहीं होता, सरकार सबके लिए बराबर होती है। सेकुलर और सोशलिस्ट ये चीज़ कहती है। और हमारा संविधान कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोली रिजॉल्व्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम नागरिक हैं, पीपल ऑफ इंडिया, हम नागरिक हैं हिंदुस्तान के, हैव सोली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सेकुलर। हमने बोला है कि सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होनी चाहिए हिंदुस्तान हमारा, विच वॉज पब्लिश इन द एड इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग इंडियन रिलीजियस। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रिलीजियस इज डिफरेंट मैटर दैन द कॉन्स्टिट्यूशन।
और यही सब बोला गया है, और इसी को ही जो अभी हाल ही में देखा गया है कि एनसीईआरटी की किताबों से हटा दिया गया है, और इस पर जो है काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस ने भी करा, बट ये पॉलिटिकल नहीं बोलूँगा। बट संविधान, अगर आपको प्रीएम्बल पता होगा, हमें कोर पता होगा कि संविधान किस चीज़ के लिए काम करता है, क्योंकि हर टॉपिक का एक पॉइंट होता है, कोर वैल्यू होती है, कोर वैल्यू हमारा प्रीएम्बल है संविधान, तो वो सबको पता ज़रूरी है। तो हाल ही में यही देखा गया था भाई कि हमारा एनसीईआरटी किताबों से प्रीएम्बल को हटा दिया गया था। आपको लेफ्ट राइट साइड में जो है ये दिख भी रहा होगा, आपको संविधान दिख रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रीएम्बल दिख रहा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलली मूव, सारी चीज़ें जो रखी होती है हमारे जो प्रीएम्बल होती है उसमें प्रॉपर। तो भाई हटाया जाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए वो तो आप कमेंट्स करके बता ही दो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो गॉड ब्लेस यू ऑल।